बताओ रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से पैदा किया, किसी से मशवरा नहीं, अपनी ताकत अपनी कुदरत अपने अख्तियार अपने इंतजाम, तो वो हमको कुछ भी बना सकता, जंगल का जानवर बना देता, दरख्त का पत्ता बना देता, दरिया का कतरा बना देता, अगर कुर्बान जाओ उसके हिसाब, तो उसने हमें इंसान और इंसान बना लपत करना बनी आदम की मस्तक पर बिठा इन्नी जाइन फिल अर्द खलीफा का दाग करना लकत खलक ने इंसान फी अहसन तकवीर कर जामे में मलबूस कर दिया एहसान पर एहसान। ये आखिरी मखलूक है इंसान, इसके बाद कोई नई नौ मखलूकात की नहीं पैदा की। इंसान और आगे बढ़ो, इंसान की तो कई तरीके की है ना, कई तरीके की, काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, मुखलिस भी हैं, मुनाफिक भी हैं, मुलमिन भी हैं, मुकहिद भी हैं, हर तरीके के साथ, लेकिन ये दूसरा उसका अजीम इंसान, उसने हमें मोमिन बनाया, ये भी अपनी मर्जी से, उसका खुद भी नहीं, इसमें हमारी क्या कोशिश। अब ये एहसान करने वाला एहसान पहसान की जा अपनी मर्जी अपने कर्ज भाई, मोमिन होने का यहां पर सवाल है, किसी भी नबी के मानने वाले थे वो सब मोमिन ही, तो उसे हमें मोमिन बनाना था तो वो किसी नबी के जमाने में पैदा कर देता, उन पर ईमान वाला बना देता, हम मोमिन ही होते, चाहे वो काबिल का जमाना हो चाहे जन्नू का जमाना हो, मगर ये उसका कर्म कितना, तो उसने अपने महबूब का मानने वाला खैरुल कुरून में सबसे अच्छी किताब दी, सबसे अच्छा दीन दिया, सबसे अच्छा नबी दिया, खैर को ऐसा वावस्ता कर दिया कि शर करीब ही ना आने का, देखा आपने, ये भी उसको बड़ा एहसान, और कहीं आप ये नहीं सोचने लगे कि एक एहसान और हो जाता तो बड़ा अच्छा, जैसे एहसान पर एहसान होता कि हमको वो जमाना मिल जाता जब हमने सब की आंखों से नबी की ज्यारत, वाकई इन जज्बात की मैं कदर करता हूं, मगर फिर भी मैं आपसे कहता हूं इसकी फिक्र मत करो कि जमाना कौन सा, और उस जमाने की तमन्ना ना करो, इसलिए कि उस जमाने में अगर दुरूद पढ़ने वाले थे तो गाली देने वाले भी थे, अगर गर्दन कटाने वाले तो राह में कांटे बिछाने वाले भी थे, अगर रसूल पर जान कुर्बान करने वाले थे तो पत्थर बरसाने वाले भी, पता नहीं उस जमाने में तुम होते तो क्या, उस जमाने में तुम क्या होते, बस यही शुक्र अदा करो कि किसी भी जमाने में है गुलाम नहीं, उस जमाने की तमन्ना मत करो, बस इस गुलामी पे नाश करो, इस गुलामी पे नाश करो, उसने अपने गर्व से उन्हीं का गुलाम बनाया। और एक बात और आपके ईमान को ताजा करने के लिए कह दूं, एक बात तो आप फख्र मुबाहा से जुबान को थाम अदब के लफ्जों का लिहाज रखते हुए सहाबा की बारगाह में कह सकते, मौका मिल गया आपको कहने का, सहाबा की बारगाह में अदब और एहतराम का लिहाज रखते हुए हम कह सकते हैं कि हुजूर आपके मुकाम मर्तबे तक पहुंचना ये हमारी ताकत से बाहर, कोई हमारा गौसो ख्वाजा भी आपके कदमों से लगी हुई धूल के बराबर नहीं हो सकता, तो आपका वो मुकाम है अस्मत अपनी जगह पर, अगर एक बात कहने की हमें भी इजाजत आपको देनी होगी, एक बात कहने की इजाजत देनी होगी, आप भी मान लाए ये भी खुदा का फजल है, हम भी ईमान लाए ये भी खुदा का फजल है, मगर आपने रसूल को देखा, रसूल का चलना फिरना देखा, उठना बैठना देखा, सोना जागना देखा, जमाल और कमाल देखा, जूत और नवाल देखा, चाहो जलाल देखा, सूरज को पलटते देखा, चांद को टुकड़े होते देखा, कंकड़ियों को कलमा पड़ते देखा, दरख्तों को छुपते देखा, जानवरों को इताअत करते हुए देखा, सर सर रसूल के
सीरत और सूरत सब कुछ देखा, तेरी मान लाए, हमने कुछ भी नहीं देखा।